ये है शर्मा जी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अच्छा, शर्मा जी की बेटी फिर से टॉप कर गई क्या? आपकी सारी बातें यहीं कर लोगी क्या? अंदर भी बुलाओगी? आइए आइए, भी अंदर आइए। भाभी मेरी बेटियों को तो छोड़ो, आप अपनी बेटियों को इंसान बनाओ। हम दोनों को तो बचपन से ही शौक है। तो क्या बचपन का तो शौक है? वो 80 साल की बुढ़ी अम्मा हो गई तुम्हारी ड्रामेबाजी खत्म। अरे ये सब छोड़ो भाभी, आपकी दोनों शैतान बेटियों ने मेरे घर का कांच फिर से तोड़ दिया। लेकिन अंकल जी, कांच टूटना तो शगुन माना जाता है। चुप कर तू अनी। अरे देखो अंकल, अगर हम बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर कौन खेलेगा? अच्छा चलो, आप ही बताओ, चाइना वालों को क्रिकेट क्यों नहीं खिलाया जाता? क्यों नहीं खिलाया जाता? खतरा है जी, क्रिकेटर अगर आउट होने के बाद भी फिर खेलने आ जाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? सारे एक जैसे तो दिखते हैं। चुप करो तुम दोनों की दोनों, सारा दिन बदमाशी करती रहती हो। एग्जाम सिर पे है, ये नहीं थोड़ा बहुत पढ़ लो। और शर्मा जी की बेटी को देखो, सारे एग्जाम्स में टॉप करती है, हमेशा टॉप करती है वो लड़की। मम्मी टॉप तो जिंदगी की लड़की पर पूछ। पापा है नहीं पर पापा की परिया पापा की कमी खल लेनी दे रही है। चुप करो तुम की दोनों, आज से सारा दिन पढ़ाई करोगे, सिर्फ पढ़ोगे और कुछ नहीं करोगे। हॉलीडेज चल रही है। हाँ तो बेटा, आपको नहीं लगता आपको भी शर्मा जी की बेटी की तरह टॉप करना चाहिए? हॉलीडेज का सही यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अरे भाभी जी, छुट्टियाँ चाहे कितनी भी पड़ जाए पर दुनिया हिला देने वाली पढ़ाई एग्जाम से एक दिन पहले ही होती है। सही कहा अंकल आपने, आप रोज हमारे घर आया करो और मम्मी को ऐसी मोटिवेट किया करो। आपको ऐसा ही लग रहा, आज आप हमारे घर 10 मिनट से ज्यादा रुक गए। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, आता जाता रहूँ, वैसे भी अपना ही घर है। देख लिया तुम दोनों ने, अपनी बेटी रिया को सारा दिन पढ़ाते रहते हैं और तुम दोनों टॉप ना कर जाओ और रिया को पीछे ना छोड़ दो, इसलिए तुम्हें उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा के चले गए हैं शर्मा जी। कोई बात नहीं मम्मी, हम दोनों बहने तो आपकी भी नहीं सुनते, तो शर्मा जी की क्या सुनेंगे। मम्मी अभी तो एग्जाम की डेट शीट भी नहीं आई है, बहुत दिन है एग्जाम में, अभी से क्यों डरा रही हो? मम्मी आप हमेशा हमें इमोशनल ब्लैकमेल करती हो, आप कहती हो कि हमेशा मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, पर आपने कभी अपने मुंह से ये निकाला है ध्वनि से डिज्नी लैंड चलते हैं? ओके डील डन, मैं पापा से बात करूंगी। अगर तुम दोनों ने शर्मा जी की बेटी को पीछे छोड़ दिया और अपने स्कूल में टॉप किया तो मैं तुम्हें हांगकांग के डिज्नी लैंड लेके चलूंगी। और हाँ एक बात और याद रखना, अगर तुम दोनों ने अपने एग्जाम में फेल
याद रखना मेरी तरफ से डील डन। अरे एग्जाम एग्जाम एग्जाम, मैं तो परेशान हो गई इस एग्जाम से। हट यहां से। मैं भी हूं परेशान। देख लिया आप लोगों ने वीडियो में मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो देखते हैं ये लोग अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं। कुछ समय बाद। अरे
क्या जोरों शोरों से पढ़ाई चल रही है यहाँ तो? चलो बेटा बहुत देर हो गई, तुम्हें पढ़ते पढ़ते खाना खा लो। हाँ मम्मी आती हूँ थोड़ी देर में। चलो ठीक है दोनों आ जाना थोड़ी देर में, आप खाना खा लेना। ओके खेलने का टाइम आ गया, खेलने चलो। आ जाइए मम्मी आज से पढ़ाई। चलो ठीक है बेटा। ओहो ये पढ़ाई ये एग्जाम से पहले कर लेते ना तो इतना प्रेशर नहीं आता, तो आज इन्हें खेलने का भी टाइम मिल जाता, खाना खाने का भी टाइम मिल जाता और रेस्ट का भी टाइम मिल जाता। लेकिन अब आया ना इनपे एग्जाम का प्रेशर। अरे अरे मेरे बच्चों घबराओ नहीं, बढ़िया होंगे तुम्हारे एग्जाम, तुमने इतनी मेहनत जो की है। अच्छा एग्जाम खत्म होते ही हम जा रहे हैं डिज्नीलैंड रिजल्ट से पहले। क्या सच में? और हाँ रिजल्ट के बाद मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे, कोई हॉस्टल वॉस्टल नहीं जा रहे। और बेटा जैसी मेहनत आपने पिछले दो दिन में की है ना, मन लगा के पढ़े हो, ऐसे अगर आप रोज पढ़ोगे तो उसी से आपको कितना सारा लर्न हो जाएगा और एग्जाम में तो प्रेशर भी नहीं रहेगा और खेलने के लिए भी टाइम मिल जाएगा, रेस्ट करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। मम्मी हम स्टूडेंट्स का तो बस एक ही सिद्धांत है, स्टूडेंट लॉ ऑफ टेंशन, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम। कल से पढ़ेंगे रिमेंस कांस्टेंट। तो बच्चों जैसा कि मैंने इन दोनों को समझाया कि एग्जाम से पहले थोड़ा थोड़ा सा पढ़ोगे तो आप पे कोई प्रेशर नहीं आएगा, एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं रहेगा, तो आप भी अभी से आज से पढ़ाई शुरू कर दो जिससे आपके ऊपर एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं रहे। तो वी होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई।